ऐसे पैदल डिलीवरी करने चले भाई। फाइनली हमको पंचर मिल चुका है और भैया अपना अंदर डाल रहे हैं, सॉरी सूजा डाल रहे हैं। अभी पता है मतलब जस्ट एक सीन हो गया, अभी जो मैं लास्ट डिलीवरी हम लोग करके आए थे वो भी थर्ड पार्टी ऐप से थी, अभी थर्ड पार्टी ऐप से कुछ भी नहीं निकलता है सामान, तो हम लोग किस तरीके से भगवान का शुक्र था उसमें सामान निकल गया, वरना अपनी जेब से हम लोग को भरना पड़ता। तो सुमित भाई देख रहे हो भाई, डिलीवरी मैन में ये भी करना पड़ता है, खतरों खिलाड़ी भी बनना पड़ता है। ये देखो भाई, वीडियो तो शूट होती है ना, तो मेरा शूट करो क्या प्रॉब्लम, तुम लोग का क्या हमारा है? ये वो चीज नहीं है, ठीक है, फीडबैक के लिए। अगर आप ठीक नहीं तो आप ठीक है तो परेशानी की बात क्या, तो बस बात खत्म हो गई सर। हम कौन सा आपको मिसयूज कर रहे हैं इसका? सो ही गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग, और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग के अंदर। और बेसिकली ये व्लॉग मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों को डिलीवरी बॉय की लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। अच्छा, और यार बहुत तरीके गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं उनकी चीज़ों को लेकर। तो आज मैं आप लोगों को पूरा डिलीवरी बॉय की लाइफ किस तरह से काम करती है, वो क्या क्या फेजेस को अपनी लाइफ में देखते हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, जो भी सब चीज़ें हैं, ठीक है। स्पेशली मेरे एक भाई हैं, मैं आज उनके साथ पूरा डे में जो भी है जितने भी उनके पास है सारे डिलीवर कराऊँगा, और लोगों के फेसेस भी देखूँगा कि लोग किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या क्या चीज़ें पानी ऑफर करते हैं नहीं करते, जो भी चीज़ें यार, मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं खोलूंगा वरना ये वीडियो ज़्यादा यहीं पे आप लोग स्किप करके चले जाओगे। बहुत तेज हो रहा है भाई, मैं अभी तक मैंने किसी वीडियो को नहीं देखा हूँ, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो कोई भी वो नहीं है, स्पॉन्सर नहीं है कि आप कन्फर्मली देखिए। क्या बोला तूने? मैं पर्सनली आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और इसको प्लीज़ देखिए और शेयर करिए, और ऐसे लोगों को शेयर करिए जो अच्छे से ट्रीट नहीं करते डिलीवरी बॉय को। अरे कहना क्या चाहते हो? और बिना देरी करते हुए यार इस ब्लॉग को आगे स्टार्ट करते हैं, और आगे ब्लॉग तक बने रहिए। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, बाय बाय। A few moments later. So guys, अब निकल रहे हैं, फ्रेंड आ चुका है बाहर, अब चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उसे, बोरी वोरी लेकर आया बहुत बड़ी सी। Oh my God! तो चलो अब चलते हैं। तो गाइज अब हम लोग निकल चुके हैं, और ये देखो ये रहा मेरा फ्रेंड, और ये अपना तीन तांबड़ा पूरा बांध बांध के लेकर आया। भाई क्या हो गया, पंचर हो गई क्या? देख रहे हो कितनी गर्मी हो रही है, इतना सारा ऐसा देख के लग नहीं रहा कि हम लोग डिलीवरी करने जा रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है जैसे हम कहीं। ओ भाई नहीं, डिलीवरी वाले सामान है। हाँ हाँ, बस हवा निकल गई, चलो अभी से पकड़ते हैं और चलते हैं। गाड़ी जब चलाओ ना तब पता नहीं लगता, लेकिन पंचर होने के बाद गाड़ी का जो वजन है ना वो अलग पता लगता है। अजीब सी आवाजें भी कर रही है। ऐसे पैदल डिलीवरी करने चले भाई? क्या बोला तूने? तो हमारे सुमित भाई अपने पंचर की थोड़ी छानबीन करते हुए चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे पंचर हुआ है। अरे देख लेना कील वगैरह, देख ले एक बार बैठ के, तू ही टाइम ही बच जाएगा। तो भाई अब ढूंढ रहे हैं पंचर अपना, नीचे करो नीचे करो नीचे का। एक तो टायर नया है ये, पता भी नहीं लगेगा इसमें थोड़ा थोड़ा अंदर पंचर होगा तो। अबे गिट्टी है ये, इनको मिला तो है शायद कुछ, लेकिन हल्की फुल्की कील है, इससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। नहीं नहीं इससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वापिस डाल रहा है, पहला पंचर निकालने वाला देखा बंदा वापस की लगा चोटी तो वापिस डाल दिया अंदर। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। A few moments later. तो भाई अब चेक कर रहे हैं अपना प्रेशर भरते हुए, सॉरी सॉरी, अपने पंप का प्रेशर भरते हुए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। फाइनली हमको पंचर मिल चुका है और भैया अपना अंदर डाल रहे हैं, सॉरी सूजा डाल रहे हैं। तो गाइस जेसीबी आ चुकी है हमारा काम करने के लिए, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। तो भाई की स्कूटी से भी भाई का पिछवाड़ा जल गया था जो जला काम कर रहे थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस ये चुन्नू सा है जिसने मुन्नू सा पंचर कर दिया था, तो देख सकते हो भाई अपना डाल रहे हैं सूजा। और अरे भाई जब कोई डालता है ना तो ऐसे करा नहीं जाता है, नहीं और छेद बड़ा हो जाएगा। So guys, हमारा पंचर लग चुका है और हम लोग निकल रहे हैं पहले डेस्टिनेशन के लिए, और ये तो रेडी हो चुका है पूरा। तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे जाते हैं, और आज जो भी होगा लोगों का जो भी रिव्यू देखेंगे, लोग कितना अच्छे से ट्रीट करते हैं डिलीवरी मैन को और कैसा कैसे क्या रहता है। तो अब चलते हैं पहले डेस्टिनेशन पे।
सो सुमित भाई अपना फर्स्ट डिलीवरी बिल्कुल कंफर्म करते हुए, और अब हम चल रहे हैं सेकंड डिलीवरी के लिए। फर्स्ट डिलीवरी डन, और अंकल अपना आम बेक रहे हैं बढ़िया बिल्कुल सेक्सी से कुछ भी। चलो अब चलते हैं सेकंड डिलीवरी पर। खतरनाक हचकों से बचते हुए, और ये आ गया हमारा हनुमान जी का मंदिर, और ये देखो यहाँ पे मैं हर मंगलवार आता हूँ। सो गाइस अपनी सेकंड लोकेशन पर आ चुके हैं, और सुमित भाई अपना पार्सल आर्सल निकाल रहे हैं, और शायद यहीं पे है हमारी सेकंड लोकेशन। क्या है इसमें, बहुत बड़ा आइटम है। सो गाइस हमारी सेकंड डिलीवरी भी डन हो चुकी है, और भाई को चिल्लर मिले। भाई चिल्लर को कैरी करना बहुत ज़्यादा टफ होता है यार। भाई सेकंड डिलीवरी डन हो चुकी है, और अब चलते हैं अपनी थर्ड डिलीवरी के लिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस फाइनली हम लोग अपनी तीसरी लोकेशन पर आ चुके हैं, और ये रहे भैया, और इनका ये रहा डिलीवरी प्रोजेक्ट। क्या बोला तूने? तो अब चलते हैं इन भाई से भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कैसा इनका है फीडबैक जो भी है। सो ये रहे भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम है अमित राठौर। और फ्लिपकार्ट का कब से यूज़ कर रहे हैं? बहुत टाइम हो गया है। और मतलब इसकी सबसे अगर प्रोज और कॉन्स की बात करें, मतलब प्रोज और कॉन्स की बात करें तो क्या है, मतलब आप बता सकते हो सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है आपको? प्रोज तो इनका डिलीवरी टाइम हो जाती है, लेकिन जो कॉन्स है वो ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ गई तो सर्विस में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। चलो ठीक है भाई, मैं आगे भेजूंगा इस वीडियो में ताकि। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना फीडबैक दिया आपने। सो गाइस हमारी तीसरी डिलीवरी भी डन हो चुकी है, और हम लोग देखो मस्त आराम से बैठे हुए हैं गाड़ी पे, और अब हम जा रहे हैं चौथी डिलीवरी के लिए। भाई अभी तक चार डिलीवरी हो गई और एक घंटा ही हुआ है, पता नहीं कैसे कटेगा पूरा दिन, लेकिन आज का पूरा मैंने सोचा जितना हो सकेगा मैं पूरा पूरा आज दिन काटूंगा, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनकी लाइफ कैसी होती है, कितनी चीज़ें दिक्कतें आती हैं सब कुछ। तो अभी चलते हैं अपनी चौथी डिलीवरी के लिए। तो गाइस चौथी डिलीवरी भी डन हो चुकी है, और वो भी देखो बालाजी मंदिर के पास, और भाई ने बहुत बड़ा पैकेट मंगाया यार, जरूर इसमें कुछ बड़ा आइटम है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सो गाइस फाइनली चौथी डिलीवरी भी डन हो चुकी है, भाई मना कर रहे हैं यार अपनी थोड़ा फीडबैक देने के लिए। चलो कोई बात नहीं यार, हेजिटेशन होती है, मैं उनकी तरफ से दे देता हूँ, वो कह रहे हैं मैं ऑन कैमरा नहीं दे पाऊँगा, बट वो ये है थोड़ा उनको सर्विस ठीक लगती है, और जो भी है बाकी अब उन्होंने तो कह दिया कि मैं नहीं दे पाऊँगा, तो कोई बात नहीं। अब चलते हैं अपनी पाँचवीं डिलीवरी की तरफ, और उनसे ही बात करेंगे, हो पाया तो निकलते हैं यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। देखो अभी रास्ते में कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे भी, तो चलते हैं पाँचवीं डिलीवरी के लिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये देखो एक छोटी सी डिलीवरी है, और इसकी डिलीवरी भाई खुद देने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई खास बंदा है, शायद इन्हीं की डिलीवरी है, देखते हैं इनकी डिलीवरी है किसकी डिलीवरी है। तो गाइस अपनी पाँचवीं डिलीवरी भी डन हो चुकी है, और अभी देखो हम वहाँ खड़े थे, और इतनी दूर पर हमारी दूसरी डिलीवरी थी। अगर किस्मत हो ना भाई ऐसी हमारी हर डिलीवरी थोड़े थोड़े स्टॉप पे हो तो कितना अच्छा रहेगा ना, एक वहाँ हो एक वहाँ हो, फिर तो पूरी रोड ख़त्म करते करते पूरा पैकेट ही ख़त्म हो जाएंगे। कोई सेंस है इस बात की? तो गाइस देख सकते हो कितनी नई गई कोई गाड़ी लेकर आया पूजा कराने के लिए, मैं रुकता जरूर भाई प्रसाद खाने के लिए, जो इतनी गाड़ी ला सकता है ना वो, अरे लड्डू उड्डू तो देता ही बढ़िया। बड़ा हरामी हो बेटा, इस रोड पे तो गाना अपने आप ही निकलने लग जाए इंसान के शरीर से। चुप, बिल्कुल चुप। तो गाइस भाई अब चेक कर रहे हैं कि क्या दिक्कत आई है, क्या दिक्कत थी सर इसमें? हैं दूसरा जूते हैं कि पुराना है? अच्छा, तो गाइस देख सकते हो फ्लिपकार्ट में कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अब समझ में नहीं आ रहा किसकी तरफ से गलती हुई है ये, तो देखते हैं क्या होता है भाई, क्या होगा। तो भाई अब बात कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है, उसके बाद देखते हैं क्या डिसीजन निकलता है। भाई वीडियो तो शूट होती है ना, तो मेरा शूट करो क्या प्रॉब्लम, तुम लोग का क्या हमारा है? ये वो चीज़ नहीं है ठीक है, फीडबैक के लिए। अगर आप ठीक नहीं तो आप ठीक हो तो परेशानी की इस बात की, तो बस बात खत्म हो गई सर। हम कौन सा आपको मिस यूज कर रहे हैं क्या इसका? आप ये मत डरिए ना, आप ठीक है तो फिर बात ही खत्म हो गई सर, हम उसको आपको उसकी परेशानी मत लीजिए। गाइस फाइनली पता नहीं क्या रेजोल्यूशन निकला, क्या हुआ भाई? रिटर्न शायद दोबारा डालना पड़ेगा, तो सर आप दोबारा रिटर्न डालिए, जो भी होगा प्रोस्पेक्टिव हो जाएगा क्लियर,
तो हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी कस्टमर ऐसे परेशान हो। 2000 years later. तो गाइस अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और ये देखो हमारा कैसा बंदा मिला, इतना मस्त इतनी गर्मी में उगारा कौन रह सकता है। कोई सेंस है इस बात की? और ये रहा भाई का प्रोडक्ट, और हो सकेगा तो अभी भाई से ही बात करेंगे फ्लिपकार्ट के रिगार्डिंग में, कैसी उनको सर्विस लगती है, कैसा क्या है। और अभी हम कहीं हैं प्लांट वगैरह पे आए हुए हैं, यहाँ पे कुछ सीमेंट वगैरह से कुछ बनता है और यहाँ से गाड़ियाँ सेट होकर जाती हैं, तो अभी भाई से ही बात करते हैं। सो ये हैं भाई जिन्होंने अभी ऑर्डर किया है। और सबसे पहले भैया आपका नाम क्या है? पप्पू सिंह। ठीक है। और भैया फ्लिपकार्ट को आप कब से यूज़ कर रहे हैं? काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ। और आपको मतलब अगर इसमें बोला जाए बढ़िया चीज़ क्या लगती है और ख़राब चीज़ क्या लगती है? अभी तो मैं पहली बार लिया हूँ इसमें। चलो भैया पहली बार लिए तो ज़्यादा कुछ हम इनसे नहीं करेंगे, और आप इस सर्विस को एंजॉय करिए। ठीक है। A few moments later. So guys, अब हम लोग थोड़ा आगे आ चुके हैं और अभी पता है हमारे साथ जस्ट एक सीन हो गया। अभी जो मैं लास्ट डिलीवरी हम लोग करके आए थे वो किसी थर्ड पार्टी ऐप से थी, और मैं उनसे फीडबैक ले रहा था बिकॉज अब मेरे भाई ने इसने मुझे बताया कि कभी कभी थर्ड पार्टी ऐप से कुछ भी नहीं निकलता है सामान, तो हम लोग किस तरीके से भगवान का शुक्र था उसमें सामान निकल गया, वरना अपनी जेब से हम लोग को भरना पड़ता। तो कोई बात नहीं, ऐसी गलतियाँ होती रहती है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिलीवरी पर, और उसके बाद होगा तो अभी थोड़ी देर में हम घर भी जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बस हवा निकल गई, तो चलते हैं नेक्स्ट डिलीवरी पर। तो सुमित भाई यहाँ पे आए हैं मंदिर देखने के लिए, और देखो कौन सा पसंद आता है। भाई कौन सा पसंद आ रहा है? मेरे को तो ये भी अच्छा लग रहा है, देखो ये वाला। सो गाइस हमारे सोनू भाई ने ये वाला मंदिर पसंद किया है और अब हम इसकी पेमेंट करने वाले हैं। अच्छा लग रहा है वैसे तो, ठीक है। तो गाइस अब हम लोगों को ये मंदिर पसंद नहीं आया बिकॉज ऑफ भाई को पता नहीं क्या कंसर्न हुआ, भाई ने बात करी और घर वाले मना कर रहे हैं बिकॉज उस मंदिर में थोड़ी सी अंदर डिफेक्ट था, तो अब हम लोग नहीं ले रहे, अब हम लोग जा रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? One hour later. तो सुमित भाई देख रहे हो भाई, डिलीवरी मैन में ये भी करना पड़ता है, खतरों खिलाड़ी भी बनना पड़ता है। ये देखो भाई इनको, भाई यार एक्स्ट्रा पैसे तो देने चाहिए यार सुमित भाई, यार ऐसे खतरे वाले डिलीवरी करते हैं तो हम लोग। सो गाइस मैं देखो झोला वोला लेकर है, चलो लग रहा है, देखो लग रहा है कोई मुझे कबाड़ी वाला ना समझ ले। चलो चलते हैं अपना पार्सल लेकर। ए कबाड़ी वाले लोहा लक्कड़ दे दो। तो भाई हमारी अली डिलीवरी भी सक्सेसफुल हो चुकी है, और इस घर में देखो इतना डेंजर सा कुत्ता है भाई लिटरली फट रही है, जितने का पार्सल नहीं है कहीं उतने इंजेक्शन ना लगवाने पड़ जाए। और आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, पता कौन सा कुत्ता है? पिटबुल है, और वो कितना एग्रेसिव हो रहा है आप लोगों को पता ही लग रहा होगा उसकी आवाज़ से। चले भाई, थैंक यू मैम। 2000 years later. सो गाइस सारे पैकेट डिलीवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और ये जो थोड़े बहुत एक दो पैकेट बचे हुए हैं ये कैंसिल हो गए हैं, ये मतलब उन लोगों ने कैंसिल कर दिए हैं या रिजेक्ट कर दिया जो भी है। तो कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा यार, मैं अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बताऊं तो एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा लाजवाब था, बट मुझे कुछ कॉज एंड कॉन्स लगे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी घर पर चल के जब आपसे बात करूँगा तब बताऊँगा। अभी फ़िलहाल हम सोनू भाई से बात करते हैं, ये सोनू भाई हैं, इनसे बात करते हैं कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा और कितना इन्होंने इतनी देर में कमाया, क्योंकि हमने 3 से 4 घंटे अभी तक डिलीवरी करी थी, चार घंटे करी थी और 4 घंटे के अंदर कितना हमने कमाया, 3 घंटे, और 3 घंटे में हमने कितना कमाया, क्या क्या हमारा हुआ, तो सारी बातें इनसे करते हैं। तो सोनू भाई सबसे पहले आप ये बताइए कि आप फ्लिपकार्ट में कितने टाइम से हैं? फ्लिपकार्ट में आज से मुझे 2 महीने हो गए हैं करते करते। और ये मुझे बताओ इसमें काम करते करते मतलब आप इतना टाइम से काम कर रहे हो और आप लोग ज़्यादातर क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? प्रॉब्लम तो देखो कुछ नहीं आती, हम किसी कस्टमर के लोकेशन पे जाते हैं तो बंदा रिजेक्ट कर देता है तो ही थोड़ी दिक्कत आती है, अदरवाइज तो देखो कोई भी काम हो अगर हम उसके एड्रेस प्रॉपर एड्रेस से पहुँच रहे हैं, अगर मतलब पैकेट ले रहा है तो अच्छा है, अगर रिजेक्ट कर देता तो गुस्सा आता बहुत ज़्यादा कि यार हम इतनी धूप में वहाँ से यहाँ तक आए हैं घर से इनका पैकेट लेकर, ये बंदा कहता है नहीं यार नहीं चाहिए। अच्छा और ये तो हो गया। और ये बताओ इतने सारे हमने 3 से 4 घंटे हमने डिलीवरी करी और इसमें हमने कितना मतलब प्रॉफिट कमाया होगा? प्रॉफिट की बात करूँ तो देखो एक पैकेट पे लमसम 1500 मिलते हैं, और करीब हमने 30 पैकेट डिलीवर कर लिए हैं, तो समझ लो 450 रुपये का हमने 3 घंटे में काम कर लिया है। और इसमें तेल वेल लगा कर है सारा कुछ? तेल वेल लगाओगे तो भैया देखो 60 से 70 रुपये का तेल खर्च हुआ है, अदरवाइज क्योंकि हमारी खुद की आसपास की लोकेशन है ये, अगर दूर जाते तो ज़्यादा पैसा खर्च होता, ज़्यादा लोकेशन मतलब समझ लो कि गाड़ी ज़्यादा घूमती, लेकिन हमारा एरिया है आसपास का चौहान पट्टी सभापुर, यही हम मार रहे हैं फिलहाल।
अब जो भी बातें हैं यार, अब हम लोग जो भी बातें होंगी वो मैं घर पे चल के आप लोगों से करूँगा। और अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, घर से फ़ोन आ रहा है मेरे को, बिकॉज अब थोड़ा मेरा घर का वाईफाई नहीं चल रहा है, तो अब हम लोग को घर निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब घर निकलते हैं, घर पहुँच के आप लोगों से बात करते हैं। बाय। सो गाइस, फाइनली घर पर पहुँच चुके हैं, अभी जस्ट मैं खाना पीना खा के हटा हूँ, और ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, और मेन बात ये थी, आज जो मैंने वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा उसके बारे में बात करें तो उसमें मुझे कुछ अच्छी चीज़ें भी लगी और कुछ ख़राब चीज़ें भी लगी। तो सबसे पहले अच्छी चीज़ों की बातें कर लेते हैं। जो अच्छी चीज़ें मुझे लगी उसमें ये लगी कि कुछ लोगों के मुझे बिहेवियर्स बहुत अच्छे लगे, जो डिलीवरी मैन से अच्छे से बात कर रहे थे, और उनकी लोकेशन के हिसाब से वो लोग कॉल पर टाइम टाइम पर कॉल भी पिक कर रहे थे, जिससे हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई। और सेकंड चीज़ मैं अब आपको बता दूँ, जो ख़राब चीज़ें मुझे लगी वो ये थी कि क्या कहते हैं, कुछ लोग अननेसेसरी जगहों पर रह रहे थे, जिनसे हमें ढूंढना उन्हें बहुत ज़्यादा टफ हुआ। ठीक है, और वो ऐसा था कि आपने वीडियो में देख लिया होगा कि एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में डिलीवरी मैन जा रहा है, यार बहुत टफ काम है ये, तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी ख़राब सी लगी। और यार दूसरी चीज़ ये कि वो ना कभी, मतलब मैंने देखा कि कोई पानी भी ऑफर नहीं कर रहा था सामने से। तो मैं आप लोगों से बस इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्या कहते हैं ना, कभी भी कोई डिलीवरी मैन आता है सबसे पहले आप पानी ऑफर करिए, क्योंकि यार कुछ नहीं पता कि वो डिलीवरी मैन कब से उसने पानी पिया है नहीं पिया है, बिकॉज अब वो भी एक इंसान है और वो भी चार पैसे कमाने के लिए ही बाहर निकला है। तो हमें सबको पानी ऑफर करना चाहिए, जितना हमसे हो सके वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो बस अब इस वीडियो में मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ऑलरेडी वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है। अब वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते किसी अनदर ब्लॉग में। और हाँ, एक बात और, आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर दो, जिससे आप लोग को हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे कर देना, जिससे आप लोगों को टाइम टू टाइम मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो करते हैं एंड, टिल गुड नाइट, टेक केयर, बाय। चलिए शुरू करते हैं। अरे वाह, टेक्निकल गुरु जी। नहीं नहीं, तो गाइस आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं अपनी लाइफ के अंदर। जो तो ही गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग, और आप लोगों का स्वागत।